तो अगर हम पहाड़ी में इसको बोले तो बहुत ठुलसी आ रही हो। अगर कोयले सा तुम देखन उन छाते आ जाया बहुत बढ़िया छे और बहुत ठुल छे तुम ही आ सकता। तो वेलकम टू माय अंदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम। तो आपको दिखाते हैं वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और वहाँ बहुत अच्छा है एज ए लाइक ताजमहल जैसा लगता है वो अगर लुक लाइक देखोगे उसे आप। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो मैं अभी हूँ जोरबाग मेट्रो स्टेशन के नियरली। तो अभी यहाँ से हुमायूं टॉम कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए मैंने रैपिडो ऐप के थ्रू एक बाइक बुक कर रखी है। तो लेट्स सी कब तक आती है देखते हैं। तो गाइज मेरी बाइक आ गई। फ्रेंड हम हुमायूं टॉम के गेट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ेगा। गाइज आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया यहाँ पे हुमायूं टॉम। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है बट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ है और टिकट विकट लेने में और टिकट ऐसे भी नहीं मिल रहा है, सब ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो फाइनली जो यहाँ पे चार्ज है अगर एंट्री चार्ज है वो है 35 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड फॉरनर्स के लिए अलग है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन टिकट आपको बुक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जब भी आप आओगे तो यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट व्यू दिखाया इसका, आपने देखा ना ये एज लुक लाइक ताजमहल जैसा लगता है। तो अभी हम इसके अंदर जाके इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी भी मतलब जैसे कि पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर यहाँ से व्यू देखो आप मेरे जस्ट पीछे तो ये है हुमायूं टॉम।
हम अगर इसके हिस्ट्री के बारे में जानें तो इसका निर्माण 1565 में स्टार्ट हुआ था और 1572 में फिनिश हो गया था। तो बेसिकली हुमायूं का बेटा था अकबर, वो इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल से प्रेरित हुआ था, तो उसने ये मकबरा बनाया था। हुमायूं का मकबरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका और चीज़ें अगर आपको, और वैसे बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इस मकबरे में हुमायूं की कब्र और उसकी बेगम और अन्य जो उनके आने वाले सम्राट थे बहुत सारे उनकी भी कब्रें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको और चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है तो आप गूगल कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको जो भी मैंने आपको व्यू दिखाए अभी तो कैसे लगे आपको, और अगर आपको आना है यहाँ पे आना है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको नियरली जो मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग। तो आप मेट्रो से कुछ डिस्टेंस पे है तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत गहरा कुआं टाइप का है, कम से कम 20 से 25 मीटर गहरा होगा। और आप इसको अगर देखेंगे तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये ताजमहल की तरह दिखता है और चारों तरफ से ये सेम आपको सेम दिखेगा। तो जैसे कि आपने देखा वहाँ पे अंदर सारे उनके हुमायूं के और उसके बेगम के और उनके अन्य जो सम्राट थे उनके कब्र हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स भी आते हैं, बट अभी क्या है कि कोरोना में सब जो भी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी या बहुत सारे अब यहाँ पे एक भी फॉरनर नहीं दिख रहा है, बहुत माइनर केस में तो कोई दिख जा रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि इंडियन से ज़्यादा यहाँ पे फॉरनर्स दिखेंगे आपको। तो अगर हम पहाड़ी में इसको बोलें तो बहुत ठुलसी आ रही हो, अगर कोयले सा तुम देखन उनसा तो आ जा, बहुत बढ़िया छे और बहुत ठुलछ जो दिल्ली रोनी पहाड़ लोग, ठीक छे। तो तुम ही आ सकते, और ये जो एक टाइमिंग छे वो आप देख लिया, मैं भूल गया है। जिम है इसका, इसके बारे में वहाँ ले जाके उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है इसका म्यूजियम।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो आपको आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और आप हमारे ऐसे ही ब्लॉग आने वाले फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।